हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी पॉइंट। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में आज हम दो बातों को डिस्कस करने वाले हैं। यूपी SSSC द्वारा जो लोअर पीसेस का एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है, इस एग्जाम से रिलेटेड आज हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेगा एंड डू लाइक एंड शेयर। देखिए, पहले तो ये एग्ज़ाम यूपी पीसेस द्वारा कंडक्ट कराया जाता था, लोअर पीसेस का। इस बार एग्ज़ाम होगा यूपी SSSC द्वारा ये कंडक्ट होगा। देखिए, अभी हाल ही का जो लोअर पीसेस का पहले का एग्ज़ाम हुआ था, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, वो भी एग्ज़ाम फिर से होना है। और जो लेखपाल की वैकेंसी आने वाली थी, उसकी भी अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। हालांकि एक बार आई थी, बट बाद में वैकेंसी को कैंसिल कर दी गई थी। देखिए, अभी ऑफिशियली जो है सिलेबस को अपलोड नहीं किया गया है, अनाउंस नहीं किया गया है। फिर भी जो पहले के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए थे, उसके बेसिक्स पे हम आपको बताएंगे कि सिलेबस क्या है। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहले एग्ज़ाम होते थे, वो उसका पैटर्न होता था प्री प्लस मेंस का। बट इस बार के नोटिफिकेशन में अभी कुछ साफ बताया नहीं गया है कि मेंस होगा या नहीं। एग्ज़ाम का जो होगा, पहले जो लोअर पीसेस का एग्ज़ाम होगा, उसके रिज़ल्ट के बेसिस पर डिसाइड होगा कि क्या मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाए, कितने कैंडिडेट्स हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपका आगे का डिसीज़न आयोग द्वारा लिया जाएगा। तो पहले तो प्री मेंस की तरह एग्ज़ाम होते थे, तो हम लोग उसके सिलेबस को देख लेते हैं। जो एग्ज़ाम होगा वो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, मैथ से होगा। हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं क्या क्या है। पहले तो आपका पूछा जाएगा भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, अगर बात की जाए स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल की, तो हिस्ट्री पर्टिकुलर टॉपिक, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर हो गया, और जो अन्य एग्ज़ाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, अलग अलग टॉपिक के वीडियो सीरीज़ की प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, और आगे भी वीडियोस अपलोड होते रहेंगे। तो आप लोग उन वीडियोस को ज़रूर देखें, हेल्पफुल हो सकते हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो हिस्ट्री से क्या पूछे जाएंगे, और इंडियन हिस्ट्री के अलावा इसमें आप ध्यान दीजिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं होंगे, तो ये थोड़ा रिलैक्सेशन है। और उसके बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको भारतीय इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, यानी कि सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पक्षों के समान जानकारी पर महत्व होगा, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन, यानी कि जो मूवमेंट हुए थे, इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुए थे, और राष्ट्रीयता, नेशनैलिटी का, और स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंध में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाएगी और इंडियन ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी, तो उसको भी आपको याद कर लेना है। तो इसमें आपके भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल, भारत के भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल में विषय के केवल सामान्य जानकारी होगी। देखिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाएगा, बेसिक्स पूछे जाएंगे, जैसे कि ग्रासलैंड हो गया, कैपिटल हो गई, इनसे क्वेश्चन होंगे। प्रोड्यूसर कंट्रीज, जैसे कि पूछ लिया जाएगा कि सबसे ज़्यादा टिन हो गया या एल्युमिनियम हो गया, ये जो है सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बेसिक इसमें साफ साफ बताया गया है कि केवल सामान्य जानकारी होगी विश्व भूगोल से। उसके बाद आते हैं भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति एवं आधिकारिक मुद्दे, तो इनसे प्रश्न होंगे आपसे। डिटेल में देख लेते हैं सारे, पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशन, पंचायती राज, इनसे प्रश्न होने हैं। और बात की जाए भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास, इनसे भी क्वेश्चन आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर। करंट अफेयर हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और करंट अफेयर के वीडियोस चैनल पर डेली या एक दो दिन के गैप पर अपलोड होते हैं, उनकी प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था लोअर पीसेस का, उस एग्ज़ाम में मैंने आपको कई बार बताया कि 20 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही पूछे गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, करंट अफेयर। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर। भारतीय कृषि में कृषि उत्पाद, उनके विवरण के संबंध में समान जानकारी ही पूछी जाएगी, बहुत ही बेसिक पूछा जाएगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं होगा। सामान्य विज्ञान में आपके हो जाएंगे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या है। सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा परीक्षण से संबंधित विषयों से
सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध जानकारी पर आधारित होंगे जिसकी ऐसी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है। बेसिक क्वेश्चन जानकारी आपको होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है उससे जो है कोई वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा डिटेल में आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भारत के विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भूमिका से भी प्रश्न होंगे, यानी कि SNT यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाने हैं। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैथ्स, मैथ्स भी आपको इसमें पूछी जाएगी। मैथ्स में क्या पूछी जाएगी हम लोग देख लेते हैं। हाई स्कूल का लेवल होगा, ट्वेल्थ का लेवल नहीं होगा, तो ध्यान दीजिएगा केवल टेंथ तक की मैथ्स पूछी जाएगी। अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित, ट्रिग्नोमेट्री और जियोमेट्री, एलजेब्रा, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अभ्यर्थियों से अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिशेष में उपयुक्त विषयों को उन्हें सामान्य परिचय हो, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश UP से भी रिलेटेड प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। देखिए ये तो हम लोगों ने सिलेबस आपसे डिस्कस कर लिया, सिलेबस लगभग सेम है जो आप पढ़ते आए हैं, वन डे एग्ज़ाम के लिए हो गया, मंडी परिषद में जो पढ़ा है आपने, लोअर पीसेस, लेखपाल में ये होता है कि उसमें रीजनिंग भी पूछ ली जाती है, प्लस इसमें जो है और NTPC के एग्ज़ाम के लिए आपका भी इस चैनल पे तैयारी कराई जा रही है, जिसमें करंट अफेयर हो गया और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन के वीडियो चैनल पे अपलोड है और कंप्यूटर की प्लेलिस्ट बनी जिसको आप देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि जो है कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो तो आपको उसका मैसेज अच्छे से प्रॉपरली तरीके से पहुँच जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थी। और हाँ, बात थी जो एग्ज़ाम की डेट से, तो एग्ज़ाम की डेट आप लोग समझ जाइए, ये होगा आपका जुलाई के लास्ट वीक और अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकता है, हालांकि अभी कुछ ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट होती है आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम, थैंक यू।